ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल जोसेफ एल वोटल और एक सेनेटर ने टेलीफोनिक राबिता किया। जनरल जोसेफ ने आर्मी चीफ को इत्तेहादी सपोर्ट फंड से मुतालिक अमरीकी फैसले से आगाह किया। अमरीकी सेनेटर ने आर्मी चीफ को सिक्योरिटी इमदाद से मुतालिक फैसले से आगाह किया। अमरीकी कमांडर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। मौजूदा सूरत हाल आरसी है, अमरीका पाकिस्तान के अंदर किसी एकतरफा कार्रवाई का नहीं सोच रहा। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल करने वालों से निपटने में तआवुन चाहते हैं। आर्मी चीफ ने अमरीकी कमांडर के सामने दो टोक मौकफ अपनाया। उन्होंने वाजह कर दिया कि पाकिस्तान अमरीकी इमदाद की बहाली का नहीं कहेगा। अमरीकी इमदाद ना भी हो तो दहशतगर्दी के खिलाफ मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को स्टेक होल्डर से मिलकर मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के जरिए पहले ही बिला तफरीके रंगो नस्ल दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जनरल बाजवा का कहना था कि पाकिस्तानी कौम समझती है कि दहाइयों के तआवुन के बावजूद हालिया बयानात से अमरीका ने हमें धोखा दिया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने अफगान मुहाजरीन की वापसी इंतहाई जरूरी करार दी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल जोसेफ एल वोटल और एक सेनेटर ने टेलीफोनिक राबिता किया। जनरल जोसेफ ने आर्मी चीफ को इत्तेहादी सपोर्ट फंड से मुतालिक अमरीकी फैसले से आगाह किया। अमरीकी सेनेटर ने आर्मी चीफ को सिक्योरिटी इमदाद से मुतालिक फैसले से आगाह किया। अमरीकी कमांडर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। मौजूदा सूरत हाल आरसी है, अमरीका पाकिस्तान के अंदर किसी एकतरफा कार्रवाई का नहीं सोच रहा। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल करने वालों से निपटने में तआवुन चाहते हैं। आर्मी चीफ ने अमरीकी कमांडर के सामने दो टोक मौकफ अपनाया। उन्होंने वाजह कर दिया कि पाकिस्तान अमरीकी इमदाद की बहाली का नहीं कहेगा। अमरीकी इमदाद ना भी हो तो दहशतगर्दी के खिलाफ मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को स्टेक होल्डर से मिलकर मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के जरिए पहले ही बिला तफरीके रंगो नस्ल दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जनरल बाजवा का कहना था कि पाकिस्तानी कौम समझती है कि दहाइयों के तआवुन के बावजूद हालिया बयानात से अमरीका ने हमें धोखा दिया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने अफगान मुहाजरीन की वापसी इंतहाई जरूरी करार दी है। अमरीकी सदर ट्रंप अपनी नाजेबा गुफ्तगू के बाद दुनिया भर में मकबूलियत हो रहे हैं। इसी खौफ ने उनको अपना पहला सरकारी दौरा बरतानिया भी मुलतवी करने पर मजबूर कर दिया है। गैर मुल्की खबर साइंस एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप ने गुज़श्ता साल अमरीकी सदर मुंतखब होने के बाद बरतानिया का दौरा करना था। ताहम बरतानवी शहरियों के रद्द अमल के पेश नजर उन्होंने दौरा मुलतवी करते हुए नए साल में दौरे की हामी भरी थी, जो दोबारा मुलतवी कर दिया गया है। सदर ट्रंप को खदशा था की उनका बरतानिया में शायान शान इस्तकबाल नहीं होगा। दूसरी तरफ बरतानवी हुकाम अमरीकी सदर के आइंदा माह होने वाले दौरे के लिए पुरउम्मीद हैं।
سپر پاور امریکہ کے غیر سنجیدہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج ایک اور متنازع فیصلہ کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے جوہری معاہدے پر آج فیصلہ سنائیں گے۔ امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ایران پر نئی پابندیاں متوقع ہیں۔ ادھر برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران کے ساتھ معاہدے کی بھرپور حمایت کا اعلان کر رکھا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کر کے جوہری معاہدے پر برقرار رہنے پر زور دیا ہے۔ اس سے قبل ایران نے کہا کہ وہ امریکہ کی جانب سے ممکنہ طور پر سن 2015 میں ہونے والے تاریخی جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار رہے۔ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ اس بات کے لیے تیار رہے کہ امریکہ جوہری معاہدے سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ جنوبی سوڈان میں باغی گروہ نے ایک نواحی گاؤں میں حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ باغی فورسز کا یہ گروہ مشتبہ طور پر جنوبی سوڈان کے سابق آرمی چیف کا وفادار ہے، جنہیں عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ یورپی ملک ہنگری کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں پارلیمانی انتخابات 8 اپریل کو ہوں گے۔ عوامی جائزوں کے مطابق وزیراعظم وکٹر اوربان کی سیاسی پارٹی کو اپنی مرکزی اپوزیشن پارٹی پر برتری حاصل ہے، جن کی حکومت کے واضح امکانات ہیں۔ افریقی ملک کانگو میں طوفانی بارشوں کے باعث پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال کے نتیجے میں اب تک 50 افراد ہلاک اور 5,000 سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں۔ کانگو میں 3 جنوری سے شروع ہونے والی بارشوں کا سلسلہ 1 ہفتے تک جاری رہا، جس میں بڑے پیمانے پر مکانات تباہ ہوئے۔